हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊँगी ये हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर आपको क्यूज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पी है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कॉट है जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो तो इसी मोटिवेशनल के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डॉट फेस्ट फेस्टिवल इज बींग ऑर्गेनाइज भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है ओडिशा के अंदर ए इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में एक पखवाड़े तक चलने वाले डोट फेस्ट उत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है और अनेक सांस्कृतिक उत्सव के साथ में इसका जो आयोजन है ये 15 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है इस फेस्टिवल का पहली बार आयोजन वर्ष 2018 के अंदर किया गया था इसके पहले दिन के जो आयोजन में है इसके अंदर एफ आई एच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने वाले 16 देशों के वैश्विक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया था सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंद्रह जनवरी को मनाया गया है इंडियन आर्मी के लिए पंद्रह जनवरी का दिन बेहद अहम होता है इस दिन भारतीय सेना दिवस हर साल पर मनाया जाता है यह दिन जो है उन भारतीय जवानों के सम्मान का दिन है जो सीमा की सुरक्षा करते हैं और इस मौके पर पूरा देश थल सेना के शौर्य और वीरता के साथ कुर्बानियों को दिल से याद करता है यह दिन पहले भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के एम करियअप्पा के विशेष सम्मान के लिए सेलिब्रेट किया गया था फील्ड मार्शल के एम करियप्पा पंद्रह जनवरी को ही भारतीय सेना प्रमुख बने थे इसीलिए इसी दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके समय में भारतीय सेना में करीब दो लाख सैनिक थे भारतीय सेना का जो गठन है ये साल सत्रह सो छिहत्तर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सेना का गठन किया था थर्ड नंबर क्वेश्चन है विश फिल्म वॉन द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दो हजार तेईस में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का जो अवार्ड है ये जीता है तो इसका करेक्ट आंसर है ये भी जीता है आर 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 ने सीज का करेक्ट आंसर होगा फिल्म आर 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 को अट्ठाईसवें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है साथ ही फिल्म के चर्चित सॉन्ग्स नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग्स का अवार्ड मिला है ये सॉन्ग्स एम एम किरवानी के द्वारा कंपोज किया गया है अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है ये मिला था अट्ठाईसवें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड का जो आयोजन है ये लॉस एंजलिस में किया गया फिल्म आरआरआर ने अर्जेंटीना उन्नीस जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी जीता है फोर नंबर क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 के संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को पब्लिश किया है इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले दो सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता और जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन शामिल है ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा डेवो स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना है ये उन्नीसो इकहत्तर में की गई थी फाइव नंबर है ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चौथा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश पहले तीन की बात करें तो राजस्थान छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने वाला हिमाचल प्रदेश चौथा स्टेट बन गया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोलन में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया था और कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अब अपने वादे को पूरा कर दिया है सरकार ने कर्मचारियों का नौ हजार करोड़ रुपए का एरियर नहीं दिया इसके अलावा 4430 कर्मचारियों की सैलरी का एरियर भी बीजेपी सरकार ने नहीं, नहीं दिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस सरकार को पेंशन का 5220 करोड़ का एरियर दिया जाना है सिक्स नंबर क्वेश्चन है विश कंपनी प्लान्स टू सेट अप 25000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री किस कंपनी ने देश भर में पच्चीस हजार चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की जो योजना है ये बनाई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये टाटा पावर ने बनाई है ए इसका करेक्ट आंसर है भारतीय बाजार में ईवी का चलन काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है वही कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रही है इसके साथ ही टाटा ई मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाने के लिए देश भर में पच्चीस हजार से अधिक इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की एक योजना बना रहा है वाहन निर्माता कंपनी नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 में हाई टेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन का प्रदर्शन कर रही है टाटा पावर के व्यापक ईवी चार्जिंग नेटवर्क ई चार्ज को चलाने वाली तकनीक का पहला अनुभव प्राप्त करेगी जिसमें ई चार्जिंग के लिए सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल ऐप में से एक टाटा पावर ई जेड चार्ज शामिल है ये ऐप लोगों को आसपास के चार्जिंग स्टेशनों को खोजने में मदद करता है और चार्जिंग पॉइंट की रियल टाइम उपलब्धता बताता है इसके साथ ही कंपनी ने, ने नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर के बारे में जानकारी प्रदर्शित की थी ये केंद्र को पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशनों के प्रभावी परिचालन प्रबंधन में मदद करता है सेवन नंबर क्वेश्चन है हु हैज अनाउंस्ड आरोग्य मैत्री फॉर मेडिकल सप्लायर्स किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की जो घोषणा है ये की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए भारत ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की घोषणा करते हुए देशों के लिए विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ डिजिटल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा पिछले तीन साल कठिन रहे हैं खासकर हमारे विकासशील देशों के लिए कोविड महामारी की चुनौतियों ईंधन उर्वरक और खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने हमारे विकास के प्रयासों को प्रभावित किया है एक नंबर क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू साइन ए रेसी प्रोकल एसेस एग्रीमेंट विद जापान जापान के साथ में पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है यूके बन गया है करेक्ट आंसर है यूके के प्रधानमंत्री ने लंदन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसे एक सदी से भी अधिक समय में दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौता माना जा रहा है जो ब्रिटेन की सेना को जापान में तैनात करने की अनुमति देता है यूके पहला यूरोपीय देश है जिसका जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता है नाइन नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है इसका करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक मंच की पांच दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दाउस में 16 जनवरी 2023 को शुभारम्भ हुआ है और ये विश्व आर्थिक मंच का तरेपनवा संस्करण है जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच का तरेपनवा संस्करण के बैठक की जो थीम है ये कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड मतलब विभाजित दुनिया में संयोग है बैठक में चर्चा के मुख्य विषयों जैसे यूक्रेन संकट वैश्विक मुद्रा स्फीति जलवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा की संभावना है डब्ल्यूफ इज ए स्वीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये है और इसकी स्थापना उन्नीस के अंदर हुई थी इसका जो हेडक्वार्टर है ये कॉलोग स्विट्जरलैंड के अंदर है फाउंडर और इसके एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है यह है क्लाउस स्क्वेब है चेयरमैन जो है यह है बॉर्जी ब्रैंड 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द थिंग 20 मीटिंग अंडर जी 20 स्टार्टेड जी 20 के तहत थिंग 20 बैठक कहां शुरू हुई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुई है भोपाल के अंदर भोपाल में जी 20 के तहत दो दिवसीय थिंग 20 बैठक शुरू होगी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ट्वेंटी के अंतर्गत थिंक ट्वेंटी की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ करेंगे इसमें पर्यावरण जीवन शैली व नैतिक मूल्य और मंगलमय वैश्विक सुशासन विषय पर देश विदेश से आए तीन सौ से अधिक मंत्री बुद्धिजीवी और विषय विशे विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे कार्यक्रम के पहले दिन तेरह सत्र व दो ब्रीफिंग क्लस्टर का आयोजन किया जाएगा इसमें चौदह जी ट्वेंटी देश बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका समेत दक्षिण एशियाई के तीन देशों समेत अन्य देशों व यूएनडीपी और यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे यूनिसेफ के प्रतिनिधि यासुमासा किमो ने बताया है कि यूनिसेफ जी ट्वेंटी का वैश्विक स्तर पर समर्थन कर रहा है चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला फाइव सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा डेवलप किया गया है तो ये के द्वारा किया गया है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसने जीता है तो ये जीता है हैरी ने। बीस का करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दो हजार तेईस जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक क्या है तो इसके अंदर भारत की रैंक एटी फिफ्थ पोजिशन पे है फोर नंबर क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एम और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं करेक्ट आंसर है का है आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं रवि कुमार सिक्स नंबर क्वेश्चन है भारत की कौन सी खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित अंडर फिफ्टीन ब्रिटिश ओपन स्क्वेस का टाइटल जीता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है अनाहत सिंह ने सेवन नंबर क्वेश्चन है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट की शहर में स्थापित करेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई के अंदर एट नंबर क्वेश्चन है केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है तो ये बना है कोलम स्टेट बीस का करेक्ट आंसर है नाइन नंबर क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2022 का जो विजेता है ये किसे चुना गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है आर बोनी ग्रेबियन बनी है डीज़ का करेक्ट आंसर है टेन नंबर क्वेश्चन है गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दी गई है खाशाबा दादा साहेब जाधव को बीस का करेक्ट आंसर है और ये था कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस बार ये अवार्ड जो है ये कितने लोगों को दिया जाएगा तो ये सत्ताईस लोगों को दिया जाएगा बीस का करेक्ट आंसर है और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले की जयंती कब मनाई जाती है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ये हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में